हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है प्रोफेसर असोर सिंह के इस क्लास में जिसका नाम भी हंसाने वाला है। आज हम बात करेंगे चुटकी अल्लाह। आज का टॉपिक है हंसाने वाला जिसका नाम है चुटकी अल्लाह। अरे है ना उस्ताद, अपने पास है ना, चिंता काहे को करता है। ये लो, एक की बजाय तीन तीन लो, आप तीन तीन लो। ये क्या है, क्या है ये? अरे उस्ताद, आप ही तो बोल रहे थे कि चुटकीला चुटकीला, तो अपन तो क्लास में चुटकी भी लाता है, और तो और अपन पान भी लाता है, तंबाकू भी लाता है, सिगरेट भी लाता है, और तो और आपको चाहिए ना तो अपन पौवा भी लाता है। निकालो क्या उस्ताद, पीछे है, निकालो निकालो, आपके लिए निकालता हूँ, रुको निकालो निकालो। अबे नालायक, मैं चुटकुला बोलना चाह रहा था, चुटकुला बोले तो जोक। अरे उस्ताद, जो का है जो का है, अरे उस्ताद एक बार चिपक जाती है ना तो खून चूस लेती है सारा। काहे काहे जोक, अरे काहे काहे जोक। तू रहने दे रहने दे, तेरे बस का नहीं है ये, तू बैठ जा बैठ जा। उस्ताद, अरे सॉरी सर, ये बात बताओ कि ऊपर बैठो कि नीचे बैठो? ऊपर बैठ जा, ऊपर ऊपर बैठ जा। गुरुजी, इस टेबल पे बैठू कि इस चेयर पे बैठू? अरे तुम्हारे सर पे बैठ जा, सर पर। गुरुजी, ये मैंने जो सर पे बैठ के फोन कर दिया ना, तो ये थोड़ी बहुत जो बाल बचे ना सर पे, ये भी उड़ जाएंगे, उड़। फिर तो आप बन जाओगे टकले। तो आप बताओ कहाँ बैठू? अरे मारा बाप, तू कट भी बैठ जा, पर बैठ जा। गुरुजी, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, तो मैं आपका बाप कैसे बन गया? अरे कट फस गयो रे, मुझे कैसे बताऊंगा गुरुजी? वो तो आपको बताऊंगा, आप ही तो फंसे हो। चलो आज की क्लास ही खत्म, खत्म आज की क्लास, टेंटो ही खत्म। गुरुजी, शुरू कब हुई थी जो खत्म हो गई? मैं चला। अरे कहाँ चले गुरुजी? रुको ना गुरुजी, मैं आऊं गुरुजी, साथ चलू गुरुजी, डर लगता है गुरुजी, अच्छे से जाना गुरुजी, मैं चलता हूँ ना आपके साथ। गुरुजी एक बात बताओ, ते हाल तक शादी क्यों कुन करी? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। वो क्या है ना कि अभी तक मुझे ना कोई सुंदर कन्या पसंद ही नहीं आई जो मेरे लायक। Oh no! अब गुरुजी इससे बड़ा चुटकला तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब मैं समझा नहीं, क्या बोला चाह रहा तू? मतलब ये गुरुजी कि कोई सुंदर सी कन्या आपको पसंद नहीं आई, या किसी बदसूरत कन्या ने भी आपको पसंद नहीं किया? दुखती रख पे हाथ रख दिया। अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये बताओ कि चुटकुले के लिए कि क्या जरूरी होता है? हास्य जरूरी होता है कि व्यंग जरूरी होता है? कौन सी चीज कंपलसरी होती है एक चुटकुले में? उस्ताद, चुटकुले के लिए सबसे जरूरी होता है सुनने वाला, क्योंकि सुनोगे नहीं तो हंसोगे कैसे, और हंसोगे नहीं तो चुटकुला कैसे बनेगा, और चुटकुला नहीं बना तो आप पढ़ाओगे क्या, और आप पढ़ाओगे नहीं तो तनख्वाह कहाँ से लाओगे, और तनख्वाह नहीं लाए तो खाओगे क्या, और खाओगे नहीं तो जाओगे क्या? अरे मैं कुछ भी गा लूंगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा, पर तू मेरा भेजा मत गा रे, तू मेरा भेजा मत गा, मैं पागल हो जाऊंगा रे। हाँ तो बबलू, कल तो तुम बड़े खुश लग रहे थे, हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, फिर आज इतने उदास कैसे बैठे हो बेटा? छत्तर, इसका कल अपने ना बीवी से झगड़ा हो गया, झगड़ा। ओ तो इसलिए उदास है? मेरी भले ही शादी नहीं हुई हो, पर मैं दर्द समझता हूँ।
अरे नहीं सर, तब तो ये बड़ा खुश हुआ था और इसी खुशी में इसने अपने सारे दोस्तों को ले जाके 10,000 रुपए की पार्टी कर दी। ओह नो। और पार्टी करके जब ये घर गया तो बीवी वहां इंतजार करते हुए मिली। साहब सोचिए, बीवी इंतजार करते हुए मिली, मतलब पैसा भी गया और सुकून भी। रुक तू साला, बार बताऊ थने, बार बताऊ थने। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताओ कि चुटकुले में और मजाक में क्या अंतर है? ना सर, को नहीं पता। चुटकुले किसी को हंसाने के लिए बनाए जाते हैं, पर मजाक किसी को बेइज्जत करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए चुटकुलों में मजाक हो सकता है, पर मजाक में किसी का चुटकुला नहीं बनाना चाहिए। समझ गए? अरे गुरुजी, साफ साफ बोलो नी कि वही अंतर है जो राहुल गांधी और कांग्रेस में है। वो कैसा? अरे कांग्रेस के बिना राहुल गांधी हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए बिना कांग्रेस नहीं हो सकती। तभी तो हम चुटकुले तो राहुल गांधी जी भी बनाते हैं और मजाक कांग्रेस का उड़ता है। वाह भाई वाह, तुम्हारे तो फंडे ही ना आ रहे हैं। चलो अच्छा एग्जांपल दिया, अब आज की क्लास खत्म। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, और हाँ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े।